हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेवक रिद्धि व्लॉग। और आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए। तो अभी ये देख सकते हो, अभी हम लोग आ चुके हैं पहाड़ी वाले विस्तार में, जो कि माउंट आबू पे, जो कि हमारा पहला व्लॉग यही का था। मैं और रिद्धि आए थे, लेकिन इस बार मैं अकेला हूँ, मतलब फ्रेंड के साथ। तो ये रहे, और चाचू भी है साथ में। तो अभी हम माउंट आबू के ऊपर है, लेकिन मार्केट से 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है। होटल पर रुके इस वाली, तो अभी इधर से डायरेक्टली हम जाएंगे गुरुशेखर पे। इधर कुछ फ़ोटो वोटो शूट करेंगे और आपको कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ, बाद में चलते हैं गुरुशेखर पे। तो ये देख सकते हो गाइस, क्या नज़ारा है। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, तो अभी इधर से हमको जाना है गुरुशेखर पहले, क्योंकि मार्केट का रास्ता 4 घंटे तक ही खुला रहता है। तो जल्दी से गुरुशेखर जाना पड़ेगा, नहीं तो रास्ता बंद हो जाएगा। तो चलो चलते हैं गुरुशेखर। तो ये गाड़ी निकल चुकी है, तो चलो अभी चलते हैं गुरुशेखर पे। तो गाइस, अभी गुरुशेखर जा रहे थे, लेकिन अभी बीच में थोड़ी देर रुक गए ये नज़ारा देखने के लिए। ये वीर बाबा के मंदिर पे रुक गए हम लोग, क्योंकि आगे सब तो मतलब गाड़ी रोकने की जगह ही नहीं थी, इधर जगह मिल गई तो रोक दी गाड़ी। तो चलो देखो ये सब। और गाइस, बीच में भी काफ़ी अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था इसीलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया। तो अभी इधर रुक के वीडियो शूट कर रहा हूँ, और अभी इधर से निकले गए, बाद में डायरेक्टली गुरुशिखर पे जाके रुकेंगे। बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, और बीच के जो नज़ारे हैं वो मैं अभी इन तीनों में से किसी को बोलूँगा, वो शूट करेंगे तो आपको दिखा पाऊँगा, नहीं करेंगे तो डायरेक्टली गुरुशिखर पे ही जाके वीडियो शुरू करूँगा। गाइस, अभी हम लोग फाइनली गुरुशेखर पे पहुंच चुके हैं, और अभी गाड़ी इधर पार्क कर ली है, और अभी इधर से चढ़ाई करनी है। तो अभी इधर से चढ़ाई करनी है, बाद में ऊपर जाके दर्शन करेंगे। और ऊपर से बहुत ही अच्छा व्यू आता है, बहुत ही अच्छे अच्छे मतलब पूरे पहाड़ी दिखाई देती है। तो गाइस, अभी हमने गुरुशेखर की चढ़ाई शुरू कर दी है, और अभी 7:20 हो रहा है। मतलब मैंने आपको नीचे बताया था कि हम 7 बजे आबू पे पहुँच पे ऊपर, लेकिन नहीं, हम 6 बजे पहुँचे थे और 6 बजे उधर से निकले, और अभी 7:20 पे अभी गुरुशेखर पे पहुँच चुके हैं, और अभी चढ़ाई भी शुरू कर दी। ये देखो, वो सब तो आगे जा रहे हैं, तो चलो अभी चलते हैं फटाफट। तो अभी फाइनली गाइस, हमने आधी चढ़ाई कर दी है, अभी थोड़ी चढ़ाई करनी बाकी, जो कि उधर जाना है। और ये देखो क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, सांस फूल रही है अभी तो ये चढ़ाई करके। ये देखो, इसकी तो गांड फूल गई। देखो गाइस, फाइनली हमने चढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन ये देखो, चरण पादुका में दर्शन करके 3 बार घंट बजाने पर मनोकामना पूर्ण होती है। तो वो रहा बड़ा वाला घंट, जो कि ये 3 बार बजा के देखते क्या होता है क्या नहीं। देखो अभी बता रही है। तो ये देखो गाइस, ये है घंट, जो कि ये 3 बार बजाने पर मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन ये घंट ही टूट गया है। तो देखो भाई क्या नज़ारा है, और बहुत ही आवारा है, मतलब कौन आपसे निकलना चाहे, नहीं तो जाएगा डायरेक्टली नीचे। Thank you.
मैंने इधर से तो आपको जो व्यू था वो दिखा दिया, और वो वाला घंट बजाना था लेकिन वो तो टूट चुका है। लेकिन इधर दूसरा भी घंट है जो कि ये अभी तीन बार बजाऊंगा और अपनी एक विश मांग लूँगा, देखता हूँ मतलब पूरी होती है या नहीं। एक साल का टाइम लेके मतलब ये वीडियो को देख लेना आप, एक साल के बाद मैं आपको जवाब दूंगा कि मेरी मनोकामना पूरी हुई या नहीं। तो चलो अभी इस घंट को भी तीन बार बजाते हैं और देखते हैं। अभी मैंने ये गन तीन बार बजा लिया है और एक बहुत ही बड़ी वाली विश मांगी है, तो चलो वो देखते हैं कि वो पूरी हो गई या नहीं। चलो अभी इधर से चलते नीचे, आपको अभी एक और बार इधर का व्यू दिखा देता हूँ। चलो अभी गुरु शिखर पे दर्शन कर लिया है और घंट भी बजा दिया है, तो अभी चलते नीचे। और ये देखो तू, ये चिराग तूने घंट बजाया कितनी बार? तीन बार। मनोकामना मांगी या मनोकामना मांगी? हाँ, लेकिन मनोकामना किसी को बताई नहीं जाती, नहीं तो घंटा भी पूरी नहीं होगी। तीन बार बजा या दस बार? ये देखो गाइस, अभी ये शॉप भी खुल चुके हैं। हम ऊपर चल रहे थे तब तो ये सब बंद था, ये देखो अभी ये सब शॉप खुल चुके हैं। और ये देखो गाइस, हमारे भोले बाबा का केदारनाथ ये भी इधर मिल रहा है। कितने का है भाई? 350। ये देखो ये 350 वाला है और उससे छोटा भी, ये देखो। तो अभी इसका थोड़ा रीजनेबल कर दो, हमको लेना है, ठीक है? 300 दे दो। देखो गाइस, हमें हमारा छोटू सा सब्सक्राइबर मिल गया है। हाय, कैसे हो? हमारी वीडियो देखते हो? तो देखो गाइस, इधर भी हमारी वीडियो देखते हैं, तो थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। तो चलो बाय, चलते अभी आगे। तो गाइस, अभी हम लोग गुरु शेखर से नीचे आ चुके हैं पार्किंग पे। तो ये रही गाड़ी हमारी, ये रहे मामू, और ये रहे तीन बंदर, दशरथ, चिराग और मयूर। तो अभी इधर से हम डायरेक्टली नक्की लेक पे जाएंगे, देखते अभी बीच में कहीं रुकेंगे या नहीं। रुकेंगे तो आपको दिखाऊंगा, जो कुछ हम भी देखेंगे वो सब कुछ आपको दिखाऊंगा। तो चलो अभी इधर से निकलेंगे, तभी ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। गाइस, अभी हम लोग गुरु शेखर से तो निकल चुके हैं और अभी बीच में रुक गए हैं। ये कौन सा पॉइंट है वो तो पता नहीं, लेकिन फोटोशूट के लिए रुक गए, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। ये देखो चारों तरफ पहाड़ों ही पहाड़ों, देखो क्या नज़ारा है। बढ़िया नजारा है, चारों तरफ पहाड़ों पहाड़ों और ठंडी ठंडी हवा आ रही है देखो। और मतलब हमारे अहमदाबाद में तो बहुत ही गर्मी थी, लेकिन इधर तो बहुत ही ठंड है, मजा आ रहा है। तो गाइस, अभी इधर हम लोग रुके थे और इधर बहुत ही टाइम हो गया, तो अभी बीच में कहीं पर भी रुकेंगे नहीं, अभी डायरेक्टली जाएंगे नक्की लेक पे, क्योंकि बहुत ही टाइम हो गया इधर। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नक्की लेक पे। तो गाइस, गुरु शेखर से नीचे आ चुके हैं, अभी हम लोग नक्की लेक के पार्किंग में हैं। तो चलो अभी चलते हैं अंदर। ये देखो गाइस, इधर काफ़ी सारे घोड़े भी हैं जिसकी आप सवारी कर सकते हो, कुछ 200 रुपये जैसी प्राइस है, जो कि हम अभी नहीं करेंगे, थोड़ी देर बाद करेंगे। और ये रही नक्की लेक। तो ये गाइस, ये चेहरे देख रहे हो, मतलब नक्की लेक पे घूमने के लिए गए थे, लेकिन सबको भूख बहुत लगी थी, तो मतलब सबके चेहरे लटके हुए थे। तो हमने सोचा कि बाद में इधर आते हैं, पहले खाना वाना खा लेते बाद में आएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं होटल पे, जो कि हम पहले थे वहीं पर जा रहे हैं, तो उधर खाना वाना खा के आएंगे वापस नक्की लेक पे। तो गाइस, होटल पे खाना खाने के लिए जा रहे थे, लेकिन ये देखो इधर बीच में
चाचू के फ्रेंड का घर था तो उधर रुक गए, तो चाचू उनके फ्रेंड से मिलने गए। तो चलो अभी हम भी चल दे, चाचू के बहुत सारे फ्रेंड हैं इधर। अभी चाचू के फ्रेंड को मिलके हम वापस जा रहे हैं होटल पे, अभी कहीं रुकना नहीं, बहुत ही भूख लगी है, पेट पूजा करनी पड़ेगी। ये देखो कितना परसेंट चार्ज है, 2। मेरा तो स्विच ऑफ हो गया, इसमें भी अभी ये भी स्विच ऑफ होने वाला है। जल्द से जल्द होटल पे जाके मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा और हमें भी चार्ज करना पड़ेगा खाने खाने के बाद। गाइस अभी हम लोग होटल पे पहुंच चुके हैं, तो अभी इधर रुकने वाले हम लोग, अभी खाना बना बनेगा उधर, पर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बाद में ब्लॉग कंटिन्यू कर लेते हैं, अभी तो खाना बनने में बहुत ही देर लगेगी। गाइस अभी खाना बन रहा था तब तक हम लोग सोने के लिए गए थे, तो अभी 1-2 घंटे लगे खाना बनने में। तो चलो अभी खाना रेडी हो गया है तो अभी खाना खा लेते हैं। ये देखो गाइस अभी खाना भी बन गया है, ये वेज है और ये नॉन वेज है, जिसको जो खाना है वो खाएगा। तो चलो अभी खाना बना खा के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अभी पेट भर के खाना खा लिया है, पेट को भी शांति मिल गई और हमें भी, अभी कुछ मूड बना है तो अभी जा रहे हैं नक्की लेक पे। चलो अभी डायरेक्टली नक्की लेक पे जाके मिलते हैं। तो गाइस अभी नक्की लेक पे आ चुके हैं और अभी सबसे पहले हम लोग घोड़े की सवारी करेंगे, क्योंकि चाचू ये घोड़ा लेकर आ रहे हैं जो कि उनका फ्रेंड का ही घोड़ा है। तो चलो अभी करते हैं घोड़े की सवारी। नहीं हमारो पोतानो घोड़ो है, स्लो मोशन में आवियो। बस पग मार। इस घोड़े की सवारी के बहुत ही मजा आया और अभी दशरथ भाई जा रहे हैं घोड़े की सवारी करने के लिए। तो अभी मयूर जा रहा है घोड़े की सवारी करने के लिए। ये चिराग लास्ट है, अभी वो घोड़े की सवारी करके आएंगे, बाद में जाएंगे आगे। भगा भगा जोर से। इस घोड़े की सवारी करके अभी हम जा रहे हैं किले पे आ चुके हैं, देखो बोट की राइड करने के लिए जा रहे हैं। तो चलो अभी इधर से चलते चलते उस तरफ जाना है। तो ये देखो मतलब इधर से पूरी नक्की लेक दिख रही है, क्या नजारा है। इधर से बोट की टिकट लेनी पड़ेगी, कितना पड़ेगा? आधा घंटा पड़ा। तो अभी 1-4 टिकट ले लिए। तो चलो इधर ढेर सारे लाइफ जैकेट है जो कि उठा लेते हैं और पहन लेते हैं। तो चलो गाइस अभी चलते हैं बोट की राइड करने के लिए। तो ये रही ढेर सारी बोट, क्योंकि इसमें से जो चाहे वो ले जा सकते हैं, लेकिन पैदल वरना फुट तो चलानी पड़ेगी। तो चलो अभी चलते हैं। मतलब खुद को चलानी पड़ेगी, वही वाली ले सकते हैं, ये नहीं ले सकते। तो चलो मोबाइल ध्यान से पकड़ना पड़ेगा। तो अभी मैं और दशरथ जाएंगे, चल जाने दे, टाइम हमारा शुरू हो गया है। तो देखो बहुत ही जोर लगाना पड़ेगा, लगा। तो ये देखो गाइस फाइनली हमने बोट उधर से निकाल ली। तो अभी उधर से हमने बोट निकाल ली है, बहुत ही दिक्कत हो रही थी लेकिन निकाल ली है। और ये तो बहुत ही जल्द पैर दुखने लग गए, अभी तो उधर से दूर भी नहीं आए और पैर दर्द होने लग गए। और ये देखो बोट उन आ रहे। Thank you.
बोट राइड करने में मजा भी आ रहा है और पैरों में दर्द भी हो रहा है ना। ए पैर में दर्द हो रहा है? हाँ, तो मतलब बहुत ही पैरों में दर्द होने लग गया है, बहुत ही थकान महसूस हो रही है अभी, लेकिन मजा आ रहा है। तो ये देखो गाइस, मजा तो बहुत आया लेकिन पैरों की हालत खराब हो गई, बहुत ही दर्द होने लग गया अभी। तो चलो अभी इसको रख देते हैं और चलते बाहर। चलो बोट को भी इसके जगह पे रख देते हैं और चलते बाहर। पकड़ना, पकड़। तो चलो अभी इस घर से बाहर चलते हैं, बहुत मतलब पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग गया और मजा भी बहुत आया। तो गाइस बोट राइड करके अभी हम लोग आ चुके हैं नक्की लेक के गेट पर, जो कि अभी इधर कुछ फोटो शूट करेंगे। तो कैमरा भी आ गया हमारे पास, तो ये रहे चिराग भाई। तो चिराग भाई चलो अभी दो तीन फोटो क्लिक कर दो मेरी अच्छी वाली। तो गाइस अभी फोटो शूट तो हो गया, अभी मार्केट तो जाना नहीं था तो वापस पार्किंग पे आ चुके हैं। तो चलो अभी चलते हैं वापस होटल पे। तो गाइस पूरा दिन घूमने के बाद वापस आ चुके हैं हम होटल पे। तो अभी इधर आराम करके 3-4 घंटे बाद में निकले के घर की तरफ, आराम करना पड़ेगा क्योंकि कल की रात पूरी रात हम सोए नहीं थे, कोई भी नहीं सोया था गाड़ी में अच्छे से। तो अभी 3-4 घंटे आराम करके बाद में निकले के घर की तरफ। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाजू में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा देना, क्योंकि हमारी नई वीडियो आते ही आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय ऑल फ्रेंड्स।